बस ऐसे ही हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती। अरे आपको ही प्यारी लगती हूँ मैं, बाकी तो किसी को भी नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो कि तुम्हें बस बिठा के देखता रहूं, देखता रहूं। लेकिन मैं तो ज्यादा बोलती हूँ। बाबा यस माय चाइल्ड, वो एक तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। Just give me 2 minutes. I'm coming back. होने वाली बहू है। अरे गजाला, तुम बाहर आ गई हो, क्या बात है? पापा, I need to speak to you about something very important. क्या हुआ है? बस बहुत जरूरी बात है और अभी ही करनी है। अच्छा, यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ। हाय जुगनू, हाय कैसी है तू, कहाँ है? तेरा फोन क्यों बंद था जुगनू? अरे हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। फोन इसलिए बंद था कि जुल्फी ने मुझे नया VIP नंबर दिला दिया है। मैं तुम्हें नंबर बताऊंगी, आसानी से याद हो जाएगा तुम्हें। और बेटा, तेरा नंबर मुश्किल भी होगा ना तो मुझे ज़बानी याद हो जाएगा। सब खैर तो है ना, तू खुश तो है ना बेटा? वो मुआ मुर्दार बख्शी है ना? अरे वो कह रहा था मेरे मुँह में खाक। मेरा मतलब है कि वो कह रहा था कि जुल्फी की दूसरी शादी हो रही है। हाँ हो रही है, लेकिन मुझसे दूसरी शादी हो रही है। आई हाय, वो बावला तो नहीं हो गया? दूसरी शादी कर रहे हैं वो भी तुमसे? दोबारा अम्मा, वो अमीरों के चोचले होते हैं। असल में सादगी से हो गई थी ना पहले, तो वो बाबा साहब चाहते कि फिर धूमधाम से करें इस दफा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे जुगनू, तेरी आवाज सुन के तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी हो, वरना तो परेशानी से मेरी जान निकली चली जा रही थी। हाँ हाँ माँ, बस तुम फिक्र नहीं करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, बहुत ढीठ हूँ मैं। बस अपना ख्याल रखना और मैं फोन करती रहूंगी, ठीक है? अब मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बोलो भाई, तेज चलाओ ना। अब बोलो क्या बात है? नहीं वो मैं, किसने कुछ कहा है? नहीं नहीं, मुझे बस बहुत स्ट्रेंज वाइब्स आ रहे हैं शादी से। मुझे लगता है जैसे जुल्फी और मैं एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन सवाल ये है कि इवन इफ जुल्फी एंड यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, ये शादी तो बहरहाल होगी ना? क्यों, क्या जरूरी है? क्या हो गया है मामा को? And what kind of a wedding is this? जहाँ कोई मेहमान ही नहीं है। रज़ाला, कभी कभार हमारे बड़े ऐसी बातें समझ लेते हैं जो हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। आई एम श्योर कि बाबा साहब और मामा ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा ना, जो इस वक्त हमारे सामने नहीं आ रहा। What about my feelings? क्यों उन्हें वो नजर नहीं आ रहा? जुल्फी भी ये शादी नहीं करना चाहता था, वो एक्सीडेंट वो तो सिर्फ एक बहाना था। तुम थक गई हो ना, परेशान मत हो, तुम अंदर जाके रेस्ट करो, मैं भी आती हूँ। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ थिंग्स, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ। Okay guys, I'll return in a bit. Excuse me. खबरदार, जो आवाज निकाली यही काट के फेंक दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोलोगी तो नहीं? कौन हो तुम? मैं जुगनू हूँ, जुल्फी की बीवी। जुगनू, जुल्फी की बीवी? उसकी शादी हो चुकी है? ये मुसीबत यहाँ कहाँ से आ गई? तुम्हें नहीं पता था? नहीं,
तभी तो मैं कहूँ कि एक लड़की दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बाबा साहब को पता है? बाबा साहब की तो छोड़ो, बाबा साहब ने पहले मुझे खरीदने की कोशिश की, फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे पुलिस से पकड़वाने की कोशिश की, मुझ पर गोली भी चलवाई, तो शुक्र है मैं बच गई। तुम्हारी शादी हो रही थी क्या? हाँ, वो बड़े बुरे लोग हैं भाई, मेरी जिंदगी तो खराब कर ही रहे थे, साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर रहे थे। तौबा तौबा तौबा। कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लूं। ज्यादा दूर मत जाना। कहीं तुम जुल्फी से खुद तो शादी नहीं करना चाहती थी? कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है जुल्फी। बहुत अच्छा है तुम उसे पसंद नहीं करती, वो डिजर्व ही नहीं करता। पहले एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और अब तुम्हारी भी। खजाला, तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की को उस जैसा लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगना चाहिए। कसम खाओ तुम्हें नहीं पसंद। कसम से नहीं पसंद? की कसम खाओ? कसम, अल्लाह की कसम। और तुम उसे शादी तो नहीं करोगी? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, नहीं करोगी, नहीं करोगी। ये हुई ना बात, आज से तुम मैं पक्की दोस्त है। ठीक है, हो सकता है कभी जिंदगी में मैं भी तुम्हारे काम आ जाऊं, है कि नहीं है? ठीक है, चलो पक्की बात है ना, सोच लिया? सोचती रहो, सोचती सोचती रहो, सोचती रहो, शाबाश, सोचती रहो। गजाला, गजाला, वो लड़की वो चली गई है, रिलैक्स करो। के पास छुरी थी, वो मुझे मारना चाहती थी, वो जुल्फी की, जुल्फी शादीशुदा है। आंटी को तुम्हें बता देना चाहिए था। आपको मालूम था इसके बारे में? हाँ, मैं जानता था। और आपने मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। किस रिश्ते से बताता मैं? आंटी को जो बेहतर लग रहा था तुम्हारे लिए, वो वही कर रही थी। इसमें मेरे लिए क्या बेहतरी है कि मैं किसी शादीशुदा आदमी से शादी करूं? पता नहीं, उन्हें यही बेहतर लगा होगा तुम्हारे लिए। क्या आप चांद की रोशनी में मेरा हाथ पढ़ सकते? प्लीज मुझे बताइए क्या लिखा है मेरी जिंदगी में। दो मंगनियों वाली बात तो बता दी थी मैंने। एक मंगनी तो टूट गई, दूसरी का बताइए। दूसरी, जिससे आपकी दूसरी मंगनी होगी, उसका नाम ऐसे, और प्रोफेशनली वो हकीम या डॉक्टर हो सकता है, बाकी की डिटेल्स तो आपको पता ही है। ये क्या हो रहा है? अरे किशो, खैर तो है? हाय, खैर कहाँ आपा शाहजहाँ, जालिम ने फिर से मारा है। ओहो, तो इधर आ जाना, काहे को मार खा रही है वहां बैठी हुई? तुम लोगों के तानों की वजह से नहीं आ रही मैं वहाँ पे। किशो, वो कोई ताने नहीं है। जब दो लोग बैठेंगे तो बात तो करेंगे ना। तो अपनी जुगनू की बात करें ना, उसका तो जिक्र भी नहीं होता। भाई उसका क्या जिक्र, अभी अभी आपा जहांगीर से मैं उसी के बारे में तो बात कर रही थी, पता नहीं कहाँ है वो। अरे हाँ आपा शाहजहाँ, ये जुगनू है कहाँ? पता नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बोलने वाले की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना, फिर भी कुछ तो पता लगे। अरे छोड़, फोन पे क्या बताऊं, आएगी ना फिर बात करूंगी। हाँ ये भी ठीक है, चलो फिर मैं कल आती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, मैं सबके सामने पूछूंगी आपसे। पूछें? क्या पूछना? लेकिन आप और डॉक्टर साहब यहाँ कर क्या रहे? ये हमारा जाती मामला है, मगर जो सवाल मैंने आपसे पूछना है, that's put more lives at stake। पूछे आप, क्या पूछा आप? ये सब क्या हो रहा है? तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? और गजाले ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? अंदर चलते हैं ना जुल्फी। नहीं, पूछे गजाला, क्या पूछना चाहते हैं? ये जुगनू कौन है? जुगनू? जी, जुगनू। जुगनू आई थी। क्या? उसके पास छुरी थी, वो गजाला को काबू कर लिया था उसने। बहुत ही ढीट औरत है, गोली खाकर भी नहीं मरी। तनीर, मुझे लगता है उस लड़की के साथ कोई ज्यादती हो रही है। कैसी ज्यादती? मजबूत औरत, औकात ही क्या उसकी, किस घर से आई है? इतने ऊंचे घर में हाथ मारेगी तो फिर उसके साथ ऐसे ही होगा। हमारी क्लिनिक से कैसे निकल गई? मेरे क्लिनिक से जब लोग ठीक हो जाते हैं तो निकल जाते हैं, क्लिनिक है, जेल नहीं है। गजाला से क्या कहा उसने? गजाला से उसने कसम ली है कि वो जुल्फी से शादी नहीं करेगी। बहुत ही, क्या कहूँ अब, किस नस्ल की औरत है। लेकिन उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, इतना खौफनाक जख्म खाने के बावजूद भी उसने इतनी जुर्रत दिखाई। जुर्रत नहीं, ढिटाई कहते हैं इसको। तानी अब गजाला क्या करेगी? मुझे यकीन है वो अब ये शादी नहीं करेगी, किसी कीमत पे नहीं करेगी। कि उसकी शादी तो एक ऐसे आदमी से होगी जिसका नाम एस से शुरू होता होगा। स्वीट, सुआव, सादी। फसाला, फसाला, क्या पता तुम्हें जुगनू के बारे में? क्यों पूछ रही थी जुगनू का? ये जुगनू कौन है? कौन है ये जुगनू? जुगनू एक लड़की थी। जुगनू तुम्हारी बीवी है, और ये कहने में तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। हाँ, शायद मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तुम्हें बताने की, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मर चुकी है। झूठ मत बोलो, वो जिंदा है और वो यहाँ आई थी। जुगनू जिंदा है? तुमने तो उसे मरवाने की पूरी कोशिश की थी। सुल्फी, तुम इतने घिरे हुए इंसान हो। मैं उसे कत्ल कराऊंगा, मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। वाओ, मोहब्बत तुझसे और शादी मुझसे? मुझे डॉक्टर सादी के साथ देख के तुम इतने इनसे क्यों रो रहे थे? क्यों? तुम खुद क्या हो? तुम्हारे पास दिल या होटल जहाँ एक वक्त में इतने सारे लोग रह सकते? जुगनू तुम्हें कहाँ मिली थी, कहाँ नजर आई? उसने सिर्फ मुझसे ये कहा था कि मैं तुमसे शादी मत करूं। वो बेचारी तुमसे मोहब्बत करती है। मामा? हाँ, मैं यहाँ हूँ। मामा, कहाँ है सारे लोग? कोई भी नहीं मिल रहा है, ना जुल्फी, ना गजाला, तनवीर और डॉक्टर सादी भी, एवरीबॉडी इज मिसिंग। कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, मुझे तो अंदर जरा घुटन हो रही थी इसलिए बाहर चली आई। ओ, खाना लगवा दूँ? मामा, मामा, मैंने जुल्फी से शादी नहीं करनी अब।
ये तुम क्या कह रही हो गजल? और वो भी अब जबकि सब कुछ डिसाइड हो चुका है। वो इसीलिए क्योंकि मामा वो पहले से शादीशुदा है। ये तुम्हें किसने बताया? मामा आप ये बात जानती थी? और आयशा आपा, आप भी, आप दोनों मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? मेरी शादी एक शादीशुदा आदमी के साथ? मेरी बात सुनो गजल। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ। गजल, गजल मुझे शादी पे शक। शक? किस बात का शक? अभी नहीं बता सकता, लेकिन है कोई शख्स है जो जाला को बार बार भड़का रहा है। यानी जुगनू जिंदा नहीं है? नहीं, जुगनू जिंदा नहीं है, जुगनू मर चुकी है। गजल, गजल बेटा, हमें बात करनी है, बहुत जरूरी। मामा प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी है। बेटा, ये जिंदगी बड़ी अजीब है और तुम बहुत छोटी हो। मामा। बेटा, मैं जानती हूं कि तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इसी तरह रिएक्ट करता। मगर बेटा, तुम पढ़ी लिखी एक अच्छी फैमिली की लड़की हो, और हम लोग अगर इस तरह से इंपल्सिवली रिएक्ट करें तो उसका बहुत नुकसान होता है। मामा, आप लोग जानते थे जुल्फी शादीशुदा है, और फिर भी तो समझने की कोशिश करो। एक लड़की कहीं से आ जाती है, तुम्हारे सामने आकर छलांग लगा देती है, तुम्हें डराती और फिर चली जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो जुल्फी की बीवी। मामा, आप कहना क्या चाह रही है? देखो बेटा, जुल्फी जिस फैमिली से बिलोंग करता है ना, ऐसी फैमिलीज के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है कोई दुश्मन ही है जो नहीं चाह रहा कि ये शादी हो। बेटा, तुम बहुत थक गए हो और रात भी बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ जाकर। अब इस वक्त किसी होटल में भी जगह नहीं मिलेगी, सुबह तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर बात करेंगे। जाओ सो जाओ। मुर्गी पका लेना, शाम को घास ना पकाना। शाम को जल्दी आऊंगा। नहीं नहीं, जल्दी आने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसे ही? चलो, नहीं आऊंगा जल्दी। मैं तो सोच रहा था तुम्हें शाम को कहीं लेके जाऊंगा, मगर तुम्हें तो मेरे साथ जाने ही से मसला है। नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं कहा। अच्छा, अब सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, जा रहा हूं, खाना पका लेना। मलीर के क्या लोगे? 500 लूंगा बाजी। हाय हाय, कैसे मुंह फाड़ के 500 रुपए मांग लिए? आपने पूछा है तो मांगे। मेरे पास तो कुल 500 ही हैं। चलना है बाजी? अगर ये यहाँ लगा दी तो फिर मुर्गी कहाँ से आएगी? चलना है। हाँ भाई, चलो, चलना तो है। जो होगी तो खबर लो पहले, ताजा बताजा, जो होगा देखा जाएगा।
चलो भाई तुम तो। हेलो जुगनू बात कर रही हूँ बख्शी जी। जुगनू तू कहाँ है? मैं आपके बहुत करीब हूँ, जरा मुड़ के तो देखे। बात सुन लड़की, तू जो भी और जुगनू बन के बात कर रही है बहुत गलत कर रही है, पकड़वा दूंगा। रू को नहीं पकड़वाया जा सकता, अपने बड़े साहब को बता देना कि जुगनू वापस आ गई है, जुल्फी का पीछा छोड़ दे, बल्कि उसकी शादी का ख्याल तो बिल्कुल दिल से निकाल दे। आई समझ? डर गया साला, जैसे रेशमी बीबी डरी थी, वो तो कसम खा के पछता रही होगी। इतना सीधा सादा भोला भाला मासूम लड़का कहाँ मिलेगा? जो भी है, जुल्फी है जुगनू का। आई किशो, सुना है भी भन्नों की दूसरी शादी हो रही है। मेरी बेटी तो बड़ी भागों वाली है, भागों वाली। उसके ससुराल वाले सारी रस्में करने को कह रहे हैं। सुना आपा, अपनी जुगनू कैसे नसीबों वाली निकली, दो दो शादियां और वो भी अमीर लोगों से। एक मैं ही कम नसीब हूं, मुझे यही जड़ा था, हर वक्त घर से निकाल देता है। अरे तू क्यों बसूरने बैठ गई? अल्लाह जाने क्या ड्रामा चल रहा है भाई। मैं तो जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे तो यकीन नहीं आने का। मैं कोई बेवकूफ हूँ इनकी तरह? ऐसी कोई बात नहीं है आपा जहांगीर, मेरी बेटी झूठ नहीं बोले है। हेलो, झूठे तो बस हम ही हैं। अरे चुप कर जा कमबख्त, नहुसा फैलाती है घर में। मैं कह रही हूँ अभी सबर तो कर, देख तो सही क्या होता है। मुझे तो ये बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही भैया। मेरे ही नसीब फूटे। वो जिंदा है तनवीर भाई, वो जिंदा है। और तुम्हें ये बात गजाला ने बताई है? हाँ, उस वक्त जिस वक्त वो लॉन में अकेली सादी के साथ थी। हाँ, और जुगनू जख्मी होने के बाद सादी की क्लिनिक में आई थी। ये मुझे नहीं पता। मुझे पता है। तो फिर उनको तो लाजमी पता होगा जुगनू कहाँ है। जुल्फी जरा अकलमंदी से काम लो, एक और फैमिली इन्वॉल्व है, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और जुगनू मर चुकी है, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन गजाला के पास। मेरी बात सुनो जुल्फी, मेरे भाई मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। गजाला को लॉन में जाते कैसे पता लग गया कि जुगनू जिंदा है? क्या मतलब आपका? शादी, मुझे शादी पे शक। शक? किस बात का शक? अभी नहीं बता सकता, लेकिन है कोई शख्स है जो गजाला को बार बार भड़का रहा है। यानी जुगनू जिंदा नहीं है? नहीं, जुगनू जिंदा नहीं है, जुगनू मर चुकी है। और ये बात कोई ऐसा शख्स मशहूर कर रहा है जो नहीं चाहता कि तुम्हारी और गजाला की शादी हो। कौन शख्स? जिसको सब मालूम है। रात बहुत होगी, सुबह बात करेंगे, आराम कर लो, ठीक है? आपा शाहजहां, ए आपा शाह। हाँ बैठी हैं। है कुछ चाहिए क्या किशो? ये आलू का भुर्ता ही बनाओगी या कुछ गोश्त वोश भी पकाओगी? अरे आपा जहांगीर को जो पसंद है वो ही बना रही हूँ, तुम्हें कुछ खाना था तो बता देती, बना लेती। अरे मेरी तो खैर है, वो मनहूस रफीक वो भी आएगा? नहीं,
लेकिन मैं साथ लेके जाऊंगी। क्या? खाना। वो 500 रुपए दिए थे मुर्गी के लिए। तो बनाई क्यों नहीं? रक्षे वाले को दे दिए। हाय हाय, अब क्या होगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। तुम्हें नहीं आना चाहिए था किशो। अब अगर वो तुमसे लड़ेगा ना तो सही लड़ेगा। हाँ भाई, हम तो वहाँ पर दम घुट के मर जाएं। और एक तुम्हारी लाडो एक को भुगता के दूसरे के साथ दूसरी बार बेहरा जा रही है। देख किशो, मेरी बच्ची का ताना ना दिया कर मुझे, सीधा दिल पे लगता है जाके। हटो भी, जाऊं पापा जहांगीर से कोई पैसे मांगू। आपा जहांगीर, आपा जहांगीर। मेरे जमीर पे बहुत बोझ है। मैं पहले ही उस लड़की से धोखे से पेपर साइन करा चुका हूँ। मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। दीदी जरा बोलो ना, तुम गजाला में इंटरेस्टेड हो और जुगनू भी तुम्हारे इशारों में यहाँ तक पहुंची है। ओह, देखा, नहीं टिक सकी ना घर में, निकल गई और कुछ ना पकाया। अरे भाई रफीक, बात ही ऐसी थी, जुगनू की दूसरी शादी दूसरी बार हो रही है। क्या? हाँ हाँ, वो लड़का जिससे जुगनू ने शादी की है, वो और उसके घर वाले धूमधाम से दूसरी बार शादी करवाना चाह रहे हैं ताकि सबको मालूम हो जाए। बात समझ में नहीं आई। अरे भाई, जैसे टीवी पे अदाकाराओं की शादियाँ होती है बिल्कुल वैसे ही। हाँ हाँ, लेकिन दूसरी बार शादी? अरे भाई रफी, अमीर लोग हैं, जो मर्जी करें। वैसे मैं आपके लिए खाने लेके आई हूँ। क्या लाई हो? आलू का भुर्ता। फिर वही आलू का भरता? कभी लौकी की भुजिया, कभी आलू का भरता। भुजिया भरता, भुजिया भरता, जाके अपनी बहनों को खिलाओ जिन्होंने पकाया है, उन्हीं के मुंह में ठूसो। तंग आ गए हूं मैं तुमसे, एक लम्हा भी सुकून नहीं मिलता मुझे इस घर में। हेलो, मॉर्निंग। मॉर्निंग। नीचे तक जा रहा हूँ, चलोगे? नहीं, मैं नीचे से ही आ रहा हूँ। सुनो, तुमसे एक बात करनी थी। क्या? तुम मेरे लिए विलन बन सकते हो? फिल्म बना रहे हो? विलन नहीं यार, हीरो लो। नहीं, वो कल गजाला और तुम्हें लॉन में देख के जुल्फी काफी नाराज हो गया था। मेरे जहन में एक बात आई। क्या? मैं जुल्फी से कहूँ कि वो लड़की जुगनू नहीं थी, बल्कि कोई और औरत थी जिसको तुमने भेजा था, ताकि गजाला के दिल में तुम्हारी तरफ से बुराई डाल दे। What? लेकिन किन तुम ऐसा क्यों कहोगे मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ? गजाला और जुल्फी को कंट्रोल करने का और कोई तरीका नहीं। वैसे भी जुगनू के आने से वो दोनों बहुत डिस्टर्ब्ड है। मुझे तो ये शादी भी कैंसिल होते हुए नजर आ रही है। तनवीर, मेरे जमीर पे बहुत बोझ है। मैं पहले ही उस लड़की से धोखे से पेपर साइन करा चुका हूँ। मैं अब मजीद झूठ नहीं बोल सकता। दीदी जरा बोलो ना, तुम गजाला में इंटरेस्टेड हो और जुगनू भी तुम्हारे इशारों में यहाँ तक पहुंची है। ओह, तो तुम इतने बदगुमान हो, मुझ पर भी शक? और क्या वजह हो सकती है तुम्हारी जुगनू को हमदर्दी दिखाने की? मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी मेहरबानियों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अब यहाँ मजीद ठहरना मुनासिब नहीं है। तुम्हारी मर्जी। अरे डन कर दो, कर दो, कर दो। नहीं डालिक, अब अभी नहीं, ना बच्चे बैठे हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बाबा साहब। आज टेरेस पे नाश्ता लगा दिया, बाकी सब कहाँ है?
वो गजाला की तबीयत ठीक नहीं है, मामा उसी के साथ है। सादी तो सुबह सुबह ही वापस निकल गया था और जुल्फी तो सुबह उठता ही नहीं है। ये जुगनू का क्या किस्सा? जी किसका किस्सा? मुझे बख्शी जी का फोन आया था सुबह, उन्हें जुगनू ने फोन किया। क्या हो गया, आप लोग चुप क्यों हो गए? सांप क्यों सूंघ गया? बाबा साहब वो लड़की गजाला से मिली थी और उसने गजाला को सब कुछ बता दिया है, इसलिए गजाला नाश्ते पे नहीं आई है ना? नहीं नहीं बाबा, वो इट्स ओके माय चाइल्ड, इसका मतलब है कि सब कुछ उसको पता चल गया है तो अब हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब वो लड़की खुला के पेपर साइन कर चुकी है, हक पैर माफ कर चुकी है। सीधी सी बात है, कोई ना कोई जरूर है जो गजाला को भड़का रहा है। हमें शादी फौरन करनी पड़ेगी, आज रात को ही, बाकी फंक्शंस होते रहेंगे। बाबा गजाला बहुत परेशान है। इट्स ओके, उसे समझाया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है। जी बिल्कुल, वैसे भी इस शादी में एक ही रुकावट थी, सादी, वो तो जा चुका है। सादी? सादी को क्या मसला? बाबा साहब इंसान का जहन बदलते कौन सी देर लगती है, सादी भी इंसान ही है। वो लड़की तो एक चुड़ैल है कमबख्त, बट इन कॉल टुगेदर। पिछली बात की जुगनू, क्या जुगनू? देखो अगर तुम जुल्फी से प्यार करती हो तो मेरी बात सुन के जाना। तुम क्या है? मैं गाड़ी पार करके आता हूँ, यहीं खड़ी रहना, हिलना मत यहाँ से, समझी? अब ये लंबे लंबे लेक्चर्स देगा, ये सब लोग मर क्यों नहीं जाते और सिर्फ मैं और जुल्फी रह जाए इस दुनिया में। मनहूस शक्लें मेरे दुश्मन कहीं के। देखा ना मामा, वही बात हुई ना, ना और ना कोई ऐसी वैसी बात। जुगनू मर चुकी है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि जुल्फी शादीशुदा है? हाँ हाँ ठीक है, वो एक नौकरानी थी जिसने झूठे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे निकाह के और उस पे वो जुल्फी को ब्लैकमेल कर रही थी। वो तो एक्सीडेंट में मर चुकी है और ये बात सिर्फ डॉक्टर सादी और हमें पता है। हाँ बेटा, जुल्फी इसीलिए इतना डिस्टर्ब था, कभी अनएक्सपेक्टेडली किसी बुरे आदमी से पीछा छूट जाए ना तो भी इंसान शॉक रह जाता है। तो कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा था? जी हाँ ड्रामा था, और वो डॉक्टर सादी, he was the writer and director of this play. Oh please, उन्हें ये सब कुछ करके क्या मिलेगा? मेरी जान तुम बच्ची नहीं हो, in fact he was interested in you, और वो इसी वजह से सब कुछ कर रहे थे। जी, और जब तनवीर ने उनसे सीधी बात की तो फौरन चले गए। अगर कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती तो वो यूं क्यों चले जाते? डॉक्टर सादी चले गए? हाँ चले गए वो। और बाबा साहब चाहते हैं कि इससे पहले कोई और सीन क्रिएट हो, कोई और ड्रामा हो, तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। नो वे, ये हरगिज़ नहीं होगा, मेरी कसम खा रखी है भाई। गजाला वो सब एक झूठ था, तुमने एक झूठ पे कसम खाई हुई है। आर यू श्योर जो आप लोग मुझे कहानी बता रहे वो सच है? देखो गजल बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? और डॉक्टर सादी, उन्हें कितने दिन से तुम जानती हो? चंद ही दिन हुए ना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, जुल्फी से खुद ही पूछ लेना।
क्या आपको वाकई यकीन है कि चिकनू अब जिंदा नहीं है और वो जो लड़की कल गजाला को मिली थी वो कोई और थी? चिकनू, तुम जिंदा? हाँ, मैं जिंदा हूँ। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी लेकिन मैं बच निकली। बाबा साहब वो भाग रहे, तो देख कर रहा हूँ, पकड़ा उनको जाके। इडियट, फिकर क्यों कर रही है, वो एक दो रोज में पकड़े जाएंगे। वो पकड़े तो जाएंगे, कुछ टाइम पे चाहिए होगा ना। आंटी ठीक कह रही बाबू साहब, वो लड़की अगर पकड़ी भी गई तो कुछ भी कर सकती है।